Now, let's understand about what are the highlights from the recent uh, presidential election that happened in July 2022 and which was the 15th presidential election. Before we see that, firstly, uh, see these certain information. The infographics will probably help you retain things better. So, uh, this was tweeted from the Election Commission of India account, and full the full schedule, ki ki. Aapko ek process, uh, you will see the process. जहाँ उन्होंने क्या बोला अंडर so, द से सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन फोर ऑफ द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट द शेड्यूल इज गिवन बिलो सो यहाँ से वॉट आर द इन्फ्रेंसिज यू आर ड्राइंग सबसे पहले तो यू आर गेटिंग टू नो अबाउट दिस वन एक्ट विच इज़ प्रेजिडेंशियल एंड वाइस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन एक्ट जिसके अंडर में ये शेड्यूल जारी किया जाता है The second question that you will remember from here is that which authority is taking charge of this? So the election of the president of India is taken care of by conducted, and all of these things are managed by which body? Election Commission of India. Okay? These are the two informations for the time being. Now let's see how the schedule happens. Firstly, the election commission will issue a notification calling for the election that okay. So they issued this notification, let's say on 15th of June. दैन दे आस्ट दैट प्लीज़ मेक नॉमिनेशन्स सो फॉर दिस नॉमिनेशन्स आर नीडेड फॉर द प्रेसिडेंट्स ठीक है तो जो कैंडिडेट्स होंगे वो अपने आप को पहले नॉमिनेट करेंगे सो लास्ट डेट जो है वो क्या हुआ मतलब जो पार्टीज होगी बेसिकली उनके तरफ से प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया जाएगा सो लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन वॉज केप्टज ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जून देन वॉट विल हैपन द नॉमिनीज़ जो रहेंगे उनके लिए देर विल बी अ डेट फॉर द स्क्रूटनी दैट

poll will be taken what is the date of polling it was decided 18th of july on which the elections happened then counting ke liye bola gaya. counting kab hoga 21st july ko bola gaya ki counting hoga and accordingly the results will be declared so this is a rough process that you have understood now here again uh, these you know this is also taken from the hindu only so you know about the फॉर्मर uh, who was who were द कैंडिडेट्स एंड then हु got इलेक्टेड अब यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें कुछ फैक्ट्स की बात करी है अबाउट द प्रेजिडेंशियल पोल्स सो वॉट दे आर टेलिंग लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नॉट ईच एंड एवरी इफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट बट हाउ डू वी गेट ऑन टू दोज इंफॉर्मेश्स इज़ इम्पॉर्टेंट सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट थिंग इज दट द करेंट इंडियन प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद स्टेनियर विल एंड इन जुलाई ठीक है जुलाई में ही आई थिंक ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जुलाई में भी वाज़ दिस इज लास्ट दिस डेट तो एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कहता है अब कौन सा आर्टिकल है वो जब हम करेंगे तो आई टेल यू कि जिस डेट पे वो ख़त्म होना है पुराने प्रेसिडेंट का टनिया और उसके पहले ही अगला इलेक्शंस हो जाना चाहिए ठीक है दिस इज़ ऑलरेडी गिवन ऑल दो वी हैव टू डू इट इन स्लाइट लेटर टर्म्स बट जस्ट आई विल शो यू फॉर दैट या टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ठीक है यही वाला आर्टिकल है विच अगैन एज आई जस्ट सेट हम बाद में करेंगे एन इलेक्शन टू फिल अ वेकेंसी कॉज्ड बाई एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट तो जो टेन्यर है जब वो ख़त्म होने वाला होगा उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए द इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म दैट इज़ वाई उनके टर्म खत्म होने से पहले अगला इलेक्शन हो गया ठीक है दैट इज़ वन थिंग

टू हंड्रेड एट बनता है गोवा के केस में ट्वेंटी बनता है तो अगर हम टोटल देखेंगे तो एम का वोट इतना निकल के आता है एंड देन इफ़ यू कै टोटल द एम एंड द एम वोट्स देन वो कितना निकल के आता है वो इतना निकल के आता है नाउ द क्वेश्चन इज सी फोगेट अबाउट ऑल दोज पार्टी डिटेल्स हम पार्टी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं देन इन्होंने क्या बोला कि हर एम का वोट कैसे कैलकुलेट होता है अभी आपको बता दिया कि ईच एम पी का सेवन हंड्रेड एट होता है बट एम एल ए अच्छा सेवन हंड्रेड एट भी कैसे आया आई एल टेल यू एंड एम एल ए का डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स पॉपुलेशन देर फॉर यू हैव दिस डेटा वेर इन यू कैन सी दैट इट वेरीज लाइक पंजाब में हंड्रेड सिक्सटीन है राजस्थान में वन ट्वेंटी नाइन है वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा एट्सेट्रा तो यहाँ अब उत्तर प्रदेश में टू हंड्रेड एट है और सबसे लीस्ट आई थिंक इज़ इन सिक्किम सेवन आता है ठीक है तो ये कंडीशन क्यों है बिकॉज हमारा पॉपुलेशन डिफरेंट स्टेट्स का वेरी करता है

and as per the provisions of article 55 five two, so what was the provision of article 55 2 we just did in the previous one this one that they are giving you the formulas to calculate the value of each vote of each mp and mla above states here and number of elected sm uh, uh, sorry elected members in the assembly basically mlas in short this list is giving you the number of MLAs coming from each state then based on 1971 census. You have the population fixed hai ye data. So value of each uh, vote of each MLA is calculated. How I hope you remember ki the ki total population of the state based on 1971 census divided by total number of MLAs into 1 by 1000. So you have the population data here. Right, then you have the total number of MLAs data here. So if both are divided and into one by one thousand, so you get this number value of vote of each MLA. But we have to calculate a total for that state. So we will calculate this with the total number. If value of vote of one MLA is one fifty nine, what will be the value of vote of let's say one seventy five MLAs? बेसिक यूनिट्री मेथड जो बचपन में पढ़ा था सो इट विल बी वन सेवेंटी नाइन इंटू वन सेवेंटी फ़ाइव जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू सिमिलरली यू हैव फॉर ऑल द स्टेट्स नो यू नोटिस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द पॉपुलेशन यू कैन सी ह्यूज डिफरेंस इन द पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन के ही बेसिस जो है एम भी चुने जाते हैं नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड जो होता है विधानसभा का वो भी पॉपुलेशन बेस्ड होता है सो दे दिस ऑल्सो वेरीज़ एंड देयर फोर ईच एम एल ए जो हमारा वोट आता है वो भी डिफर करता है एंड टोटल नंबर जो निकल के आता है इन द वोटिंग दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट जो आपका रिप्रजेंटेशन होता है इन द प्रजिडेंशल इलेक्शन सो हियर इफ़ यू जस्ट गो बाई यू कैन सी द वेरिएशंस रेंजिंग फ्राम वन फिफ्टी नाइन फॉर आंध्र प्रदेश टू एट फॉर अरुणाचल बट विल जस्ट सी द मैक्सिमम इन द मिनिम आपको पता है उत्तर प्रदेश इज़ अ मोस्ट पॉपुलर स्टेट सो जो मैक्सिम वोटिंग वैल्यू है वो उत्तर प्रदेश से है ठीक है दैट इज टू हंड्रेड एंड एट एंड द मिनिमम इज़ फ्रॉम सिक्किम बाकी वेरिएशन्स यू हैव द लिस्ट हेयर ऑन द स्क्रीन यू कैन जस्ट सी इट बट विल गो बाई दिस सो यू अंडरस्टुंड हाउ डिफरेंस इन स्टेट्स हैपन राइट लेट्स नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज नंबर्स देन विल सी टू द लेटेस्ट इलेक्शन सर्टन नंबर्स एंड देन इशूज असोसिएटेड टू

दिस इज़ वॉट वी हैव अंडरस्टूड जब हम इस तरीके से टोटल वैल्यूज़ ऑफ ऑल एम एल एज़ कैलकुलेट कर लेते हैं विच यू एस इन या तो आपको रफ्ली जो दिखता है वो वैल्यू इफ़ यू सी इट इज़ कमिंग टू बी दिस ठीक है फ़ाइव लैक फोर्टी नाइन थाउजेंड फोर नाइन्टी फ़ाइव के आसपास आता है तो रफ़ली जो है इसका फ़ाइव पॉइंट फोर लैक हम कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज यू नो द नंबर्स अकॉर्डिंगली आर टेकन इं टू कंसिडरेशन फॉर द कैलकुलेशन सो इसी चीज़ को अगर हम टोटल करते हैं सो so, रफली हम रखेंगे फाइव पॉइंट फोर थ्री लैक्स ठीक है अब उससे क्या होता है ये तो एक चीज़ हो गया एम का अगर हम एम की बात करते हैं जो वैल्यू ऑफ़ वोट्स आते हैं तो यू you नो know कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों जगह से आएंगे तो लोकसभा से हमारे पास क्या है 543 एंड राज्यसभा से 233 थर्टी अब ये तो नंबर फिक्स्ड है बिकॉज वहाँ का नंबर फिक्स्ड है तो ये टोटल एम का जो वैल्यू आता है वो आता है सेवन अब जो आपको टोटल निकालना अगर हम ऑन एन एवरेज निकालते हैं ठीक है थीके? तो इफ़ यू डिवाइड दिस बाई दिस फाइव पॉइंट फोर थ्री लैक्स बाई सेवन सेवेंटी सिक्स रफली ठीक है तो आपको समवेर अराउट सेवन हंड्रेड आएगा कहीं कहीं पे यू आर सीइंग दिस नंबर टू बी सेवन हंड्रेड एट ऑल्सो बिकॉज इट डिपेंड्स वेदर दे आर इंक्लूडिंग जे एंड के एंड नॉट यू नो सो थोड़ा सा नंबर में वेरी करता है बट द पॉइंट इज की वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट डिटेल्ड कैलकुलेशन हमें उस कॉम्प्लेक्सिटी में ही नहीं जाना है वट वी हैव टू नोटिस इज कि इधर सेवन हंड्रेड एट वोट्स यू विल रीड और सेवन हंड्रेड वोट्स तो रफली अराउंड उसी का आता है और एवरेज कैसे करके आता है बाई टोटल ऑफ़ दिस सेवन सेवेंटी सिक्स एम पीज़ इं सेवन हंड्रेड एंड एट तो अभी आपको मैंने दिखाया कि सेवन सेवनटी सिक्स एम पीज़ कहाँ से आते हैं यहाँ से आते हैं फाइव फोर्टी थ्री फ्राम लोकसभा एंड टू थर्टी थ्री फ्राम राज्यसभा ठीक है सो दिस इज़ द रफ नंबर यू आर गेटिंग और जब आप दोनों का कंबाइन करते हो तो यू आर सींग हमने बात की थी कि वन वी कम्बाइन बोथ ऑफ देम तो ये करीबन टेन लैख नाइन्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड थ्री के आसपास जो है वो आता है ठीक है अब हम बात कर रहे हैं आगे प्रेजेंट इलेक्शन के केस में क्या रहा सो so, जो हमारा अभी का इलेक्शन था दैट वाज द फिफ्टींथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो कि जुलाई 2022 में हुआ यू हैड टू कैंडिडेट्स वन फ्रॉम एनडीए अनदर फ्रॉम ऑपोजिशन फ्रॉम एनडीए डी द कैंडिडेट वाज द्रौपदी मुर्मू

ठीक है तो मोर देन फिफ्टी परसेंट प्लस वन इनको मिल गया एंड शी वन द इलेक्शन अब बात है कि जो नंबर्स हमें देखने को मिले यहां पे जो नंबर्स हमें देखने को मिले नो इस बार देर वर फोर सेवन नाइन सिक्स एलिजिबल वोटर्स नॉट एवरी टाइम ऑल द वोटर्स विल बी एलिजिबल ठीक है सो इस बार क्या था जैसे वर सर्टन एक्सेप्शनल केसेस नॉट एक्सेप्शनल बट या सर्टन इशूज वर देय जैसे कि though members go I am not giving you the name if you want you can find online I am not going into the details of any name for the sake of you know non-issues so two and that is not even important because bas ek trend Ham two members were uh, considered ineligible because they were there was earlier court order uh, because of which they had got disqualified. अंडर द रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन टू टू पीपल वो आर इन एलिजिबल बिकॉज ऑफ द डिस्कालीफिकेशन उसके अलावा दे व सर्ट इन वेकेंट सीट्स न दिस नंबर इंक्लूड्स बोथ एम एल एज एंड एम पीज़ बिकॉज हम इलेक्टर्स या वोटर्स की बात करें ना तो एम एल एज एम पीज इंक्लूडेड हैं ठीक है ठीके? अब जो वेकेंट सीट्स थी उसमें पाँच राज्यसभा की सीट वेकेंट थी एंड सिक्स लेजिस्लेटिव असम्बली की सो so, uh, ये आपको बेसिकली पार्लियामेंट का हिस्सा हो गया और ये सिक्स तो टोटल इलेवन वेकेंट सीट्स भी थी उसके अलावा देवर एट एम पीस हु डिड नॉट वोट सो यू डू हैव द ऑप्शन जैसे आपके पास भी चॉइस होती है इन द जनरल इलेक्शन यू हैव टू चूज लाइक नन ऑफ दल्सो उसके अलावा यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू नॉट गो एंड वोट मतलब इफ़ यू वॉन्ट यू के नॉट वोट दट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन अवेलेबल टू यू डेफिनेटली यू शुड But you cannot also, depending on for whatever reasons. Now, is the trend. Dekha. Overall, agar hum dekha, and there were certain other cases in state assemblies also, but we are not going into the detail. For us, the only concern is that there were total 4796 eligible voters to vote this time. Now, out of these 4796 eligible voters, which I just said will include MPs and MLAs. एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्वेंटी ट्वेंटी टू इलेक्शन वी हैड फोर ज़ीरो टू फाइव एम एल एस एलिजिबल एम एल एज एंड सेवन सेवेंटी वन एलिजिबल एम पीज़ तो अगर आप इनको टोटल करेंगे तो आपको ये सेम नंबर ही मिलेगा विच यू आर सीन ये तो एलिजिबल है इसमें से जितने लोगों ने एक्चुअली वोट करा सो दे आर द एलिजिबल वंस एंड द वंस वो आर एक्चुअली वोटेड फोर जीरो टू फाइव में से थ्री नाइन अच्छा दीज आर जस्ट द फ्यू ऑफ द सिचुएशंस आई एम गिविंग यू ठीक है देर विल बी एन नंबर ऑफ अदर सिचुएशंस हम हर डिटेल क्योंकि नो बट इज़ गोइंग टू आस्क यू आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू की वैकेंसी भी कंसिडर होती है कुछ डिसक्वालिफिकेशन uh, के लिए इन एलिजिबल होते हैं देर आर सम पीपल हु विल नॉट वोट यू नो वॉल्टरली तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं देन थ्री नाइन नाइन वन आउट ऑफ फोर जीरो टू फाइव एम एल एज़ एक्चुअली वोटेड एंड हीयर आउट ऑफ सेवन सेवेंटी वन सेवन सिक्सटी थ्री वोटेड इस सेवन सिक्सटी थ्री की तो कहानी बिल्कुल क्लियर है बिकॉज एट एम पीज़ डिड नॉट वोट विज आई जस्ट शो यू एम एल एज केस में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हम उसके अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि वॉट बार द एगज नंबर्स ठीक है अच्छा तो आपको ये दिख रहा है कि फोर सेवन नाइन सिक्स जो लोग थे उसमें से जो टोटल नंबर जो एलिजिबल वोटर्स थे उसमें से टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड ये कितना है थ्री नाइन नाइन वन प्लस सेवन सिक्सटी थ्री विच गिव्स यू द नंबर फोर सेवन फाइव फोर राइट अब अगर आप समझोगे फोर सेवन फाइव फोर डिवाइडेड बाय फोर सेवन नाइन सिक्स दिस इज़ द नंबर हु एक्चुअली वोटेड दिस इज़ द नंबर हु आर एलिजिबल टू वोट तो रफली परसेंटेज आपको नाइन्टी नाइन पॉइंट आई थिंक वन टू और वन एट रफली यू नो समथिंग अराउंड दिस यू विल गेट सो बेसिकली द होल आइडिया टू नो बडी इज गोइंग टू अगेन आंसक यू दिस क्वेश्चन द रफ आइडिया इज़ मोर देन नाइन्टी नाइन परसेंट इस बार वोटर टर्न आउट था ये आपको जरूर याद रखना हो सकता है So, just remember that more than 99% voter turnout was there for this time. You also have to remember that there were certain states and UTs. Basically, if I give you the, I'm not giving you the names, but just the numbers 10 states plus 1 UT had 100% voter turnout. 100% uh, members vote. Another thing that you have to remember that. यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विच इज़ दैट क्रॉस वोटिंग इज़ अलाउड ठीक है सो क्रॉस वोटिंग वॉज ऑल्सो दैट क्रॉस वोटिंग मतलब इन जनरल इलेक्शन वॉट हैपन इफ यू बिलोंग टू वन पर्टिकुलर पार्टी सो द एवरी पार्टी इशूज़ अ विप मतलब आपको कुछ डायरेक्शन बताए जाएंगे अकॉर्डिंगली यू हैव टू वेट अ वोट ये सब डिटेल हम करेंगे जब हम लेजिस्लेचर पढ़ेंगे इलेक्शन को समझेंगे But for the time being, just remember that in general elections, when the people are electing the legislatures, अब उसमें इनडली में क्या होता है कि जब काउंटिंग की जाती है और अगर मतलब जब पार्टी प्रेफरेंसिस की बात होती है so हर पार्टी को वप जारी किया जाता है और वहाँ पर क्या होता है कि आप ऑपोजिशन में अगर आप जैसे अगर आपने एंटी डिफेक्शन सुना होगा if you would have gone through that एंटी डिफिकेशन में क्या होता है कि सम बडी चेंजेस द पार्टी एंड दर आर मनी अदर कंडीशन फॉर डिस्कक्वालीफिकेशन वन इज़ इफ़ यू चेंज द पार्टी आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड फ्रॉम अनादर पार्टी तो आप डिसक्वालीफाई uh, uh, हो जाते हो बट इन दिस केस जो है क्रॉस वोटिंग अलाउ होती है और इस बार हुआ भी है विच मीन्स दैट अ फ्यू ऑफ द अपोजिशन पीपल ऑल्सो बिकॉज उनकी पार्टी ने कोई विप नहीं जारी करा था कि आपको इसी कैंडिडेट को वोट करना है सो फ्यू ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑपजिशन ऑल्सो इलेक्टेड फॉर Uh, President Murmu for the different reasons, you know, women and tribal and representation. But reasons, the, kara hai. so this is also something which is allowed in the presidential election. This is what I wanted to tell you. And a very unique thing which happened in this case this time was Election Commission of India. It issued because they are taking care of the elections. So what they issued was you know some methods to ensure transparent free fair election. A unique violent oh, sorry very sorry violent इंक पेन्स वायलेट इंक के पेन्स इन्होंने इशू करे और हर में एक सीरियल नंबर था सो यू नो इट वाज मेड श्योर कि कोई भी और तरीका या कोई भी और मेथड इज़ नॉट यूज नो अदर इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मार्क द बोर्ड एंड इसके लिए स्पेशल पोस्टर्स जो है वो भी निकाले गए थे जो अलग अलग पोलिंग प्लेस थे जहाँ पे बोर्ड्स हो रहे थे वहाँ पर स्पेशल पोस्टर्स निकाले गए थे और डूज एंड डोंट्स जो है फॉर द इलेक्टर्स दैट वॉज गिवेन टू दैम ठीक है अनदर थिंक यू ऑल्सो हैव टूर अंडरस्टैंड अबाउट इस कि जैसे ये जो नॉमिनेशन्स वाली केस होती है आपको मैंने पिछले क्लास में एक नॉमिनेशन की बात बताई थी इफ़ यू रिमेंबर एंड ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस ये अभी जो बताया और पिछले क्लास में एक नॉमिनेशन की बात बताई थी तो यहाँ जब नॉमिनेशन्स होता है ना तो उसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंशल नॉमिनेशन्स होते हैं उसके लिए ना फिफ्टी प्रपोजर्स एंड फिफ्टी सेकेंडर्स चाहिए एक्चुअली आई थिंक इन नाइनटीन सेवेंटी फोर और समवेर अराउंड दैट इलेक्शन कमीशन हैड इशूड दिस इंफॉर्मेशन एंड दिस सेट दैट यू नो ऐसे तो कोई भी प्रेस बिकॉज अगर आप एलिजिबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इट्स वेरी इजी टू नॉमिनेट योर सेल्फ फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन they will so you know they said that even if somebody will not have any chance of getting elected they might also file this nomination so this unnecessary calculation process Koth you know uh, issue Kardaghana because you have seen such a uh, highly complex calculative process. So it was decided that we will have 50 proposals proposals 50 people from among the electors who will propose the name of that particular person and another 50 person who will second that name. ठीक है सेकेंड दाट मतलब उसको बैकिंग देंगे so which means already सो विच मीन्स ऑलरेडी आपको सौ लोगों का सहमति चाहिए टू मेक योर सेल्फ अ नॉमिनी फॉर द प्रेजिडेंशल नॉमिनेशन दिस यू हैव टू रिमेंबर अच्छा अब क्या हो जाता है जब इलेक्शन हो गया ठीक है काउंटिंग हो गई रिजल्ट डिक्लेयर हो गया देन इलेक्शन कमीशन की तरफ से देर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन ऑल्सो इशूड टू द पर्सन हु गेट्स इलेक्टेड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेसिडेंट मुर्मू द्रौपदी मुर्मू बेसिकली जब वो बनी नहीं तब तक तो नाम से ही हम बोलेंगे एंड वेन शी गॉट इलेक्टेड शी बिकेम द प्रेसिडेंट तो उनको इशू किया जाएगा और इससे क्या होता है जब रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं वो कौन होते हैं हम इलेक्शन के टॉपिक में पढ़ेंगे वो जब रिजल्ट को पैनल को हैंडल कर हैंड uh, ओवर कर देते हैं तो ये सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता है और फिर ये uh, ये जो सर्टिफिकेट है वो होम सेक्रेटरी को दिया जाता है सो so दैट जब ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है प्रेसिडेंट की दैन दैट इज रेड आउट यू नो दैट सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन बींग द प्रेसिडेंट इज रेड आउट नाउ विल जस्ट क्विकली सी अ कपल ऑफ इश्यूज विच वी कैन टॉक अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू द मैनर ऑफ इलेक्शन नाउ दैट यू अंडरस्टूड द मैनर एंड द करेंट ट्रेंड ऑल्सो वट एवर है अगर हम मैनर की बात करेंगे तो द कॉन्स्टिट्यूशनल द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेम्बर्स द सी ए मेबर्स

फॉर द रीज़न फर्स्ट दैट वी आर अ वेरीज इलेक्टोरेट इंडिया में अगर हम हर इंसान को बोलेंगे आके प्रेसिडेंट को चूज़ करना सो वी हैव द नंबर्स नो यू नो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो ये नो नहीं पॉसिबल है सो इफ़ यू गो फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन इट विल मीन यू नो ह्यूज लॉस ऑफ टाइम एनर्जी मनी एट्सट्रा एंड सेकेंडली वी नो दैट वी आर फॉलोइंग द प्रेजिडेंशियल सॉरी पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ पे प्रेसिडेंट इज जस्ट द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव not the real executive so if you are involving the people to vote for a position at least you should have given the real power but because in our case the president gets only the nominal powers and not the real powers there is no point in asking the people involving so much of time energy and cost to elect the president because real power lies with the prime minister heading the com the council of ministers and therefore people do elect the you know prime minister not directly कैसे होता है उसमें हम बात करेंगे बट एटलीस्ट वो एक मेम्बर तो होते हैं ना जिनको आप चुनते हो तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर पार्टी वाले अपना चुन लेते हैं एनी सो दिस इज़ वन इशू रिलेटेड टू दैट अपार्ट फ्रॉम दैट सम मेम्बर्स ऑल्सो सजेस्टेड दैट यू नो वाई आर यू अलाउंग द एम एल एज टू कंटेस्ट यर आई मीन इलेक्ट ओनली द इलेक्टेड एम पीज शुड बी अलाउड ये तो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बट अगेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स चोज देम बिकॉज the same idea was there that we have to maintain the parity because we have to show that the president is the uh, representative of the entire nation including the people of the states right to uske liye zaruri hai is proportional representation term used hua hai constitution this is just a misnomer because it was said that usually proportional representation is used when more than two seats or more than two seats are to be filled तभी वो फॉर्मूला जो था ना कैलकुलेट करने वाला वो यूज़ हो पाएगा बट हियर वी हैव ओनली वन वैकेंसी इसका कोई आंसर नहीं है बट येस दिस वॉज एन इशू दैट वॉज रेस्ड उसके अलावा जो एक और टर्म है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वी आर सीन हाउ द वोट गेट्स ट्रांसफर्ड इट वॉज ऑल्सो सेट कि वाई आर यू यूजिंग द वर्ड सिंगल ट्रांसफरेबल बिकॉज यहाँ पे हर वोटर के पास सिंगल वोट तो है ही नहीं कहने को सिंगल वैलिड बैलेट पेपर है बट They are getting those preferences right to mark, and therefore they have plural vote. But again, these will subject to contradictions because ballot paper to is hai. So there will be certain issues which we to details. Mein nahi jaane. These are just some of the issues that were raised with respect to the manner of the election. I hope in these two videos, uh, we have given more than enough time with every minute detail to be considered and the current affairs linked to it in the next video we'll talk about the governor so hope you guys are enjoying it please do leave your uh, feedback in the comment section thank you so much take care till then bye bye